Good to see you, Shakti ji. What we saw, we just loved it. It also remind us of what Mr. Bachchan has done in Nishabh. Please throw some light on that. Yeah. Silence. Please silence. Yeah, this it's a journey of a man who has faced a lot of problems in his internal life. And he sees that the world is not in peace, the world is not good. His own family cheated him. So everyone he finds in life. So he wants to hide himself and live a very lonely life. He doesn't tell anyone where he is staying and where he is going to be spending the rest of his life. That is where, and the rest of his life he's spending in a slum area, a slum place where nobody recognizes him, and how he falls in love with a young girl who gives him happiness which he never got in life. क्या आपको लगता है कंपैरिजन होगा निशब्द की? मैं हो सकता है माइट बी रिपीटिंग माय सेल्फ. क्या आपको लगता है निशब्द से भी कंपैरिजन होगा? नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें बहुत उल्लेख किया है कि आदमी की पर्सनल प्रॉब्लम्स लाइफ में क्या होती है, गरीबी क्या होती है, और एक लड़की की जर्नी भी है जो पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं. और इट इज़ अ फिल्म वेयर पीपल आर गोना गेट वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव. इट्स अ डिफरेंट लव स्टोरी फिल्म, ऐसा मेरे हिसाब. और ये आदमी अपनी दुनिया में रहता है, शेर व शायरी करता है, लिखता है, राइटर है, और वो लड़की से आधी से भी कम एज की है. और जब अपनी इच्छा सामने रखता है तो क्या होता है. So it's a film of emotions and relations. Okay, what is the most challenging part you are working on? Do you face some awkward moment while shooting it? Yeah, see, awkward moments were there when this girl and they come very close to each other, and there was some physical matlab ki physical ka matlab they hold each other. And when I was playing an old man, I started feeling like an old man, and I thought I was holding a very young girl. So awkward thoda sa laga tha, halanki sari zindagi हमने तो सारी दुनिया जानते हैं मैं कितना अच्छा आदमी है. तो आपको पूनम ने कंफर्टेबल किया कि सर? Fantastic, very good. She अगर वो comfortable नहीं करती तो मैं शायद कर ही नहीं पाता जो किया था. अभी आ रही है. सबसे पहले मैं थैंक्स बोलूँगा जिसने मुझे मौका दिया, और मेरे टैलेंट को मौका हमारे राकेश सब्रवाल जो हमारे मूवी के लाइन प्रोड्यूसर हैं, इन दोनों को मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये मेरी डेब्यू मूवी है और इसमें मैंने बहुत मेहनत की है. क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी आ रही है तो मैंने सोचा कि मैं दिन रात एक कर दूँगा, लेकिन कोई कमी नहीं छोड़ूंगा. इसमें मूवी में कुल मिला के 4 गाने हैं, जिसमें से चारों गाने एक अपने अलग अलग लेवल पे हैं. मतलब कोई भी गाना एक दूसरे से मैच नहीं करेगा, क्योंकि डिफरेंट टाइप के हमने सॉन्ग्स बनाए. सो एक गाना थोड़ा सेडक्टिव है और एक गाना थोड़ा सैड मूड पे है. इस टाइप की कुछ एक क्लब टाइप का सॉन्ग है, तो इस टाइप के कुछ सॉन्ग हम मिक्स कर. सर आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है, कुछ बताना चाहिए? देखिए, ये एक गरीब लड़की की कहानी है जो अपनी मंजिल की तलाश में तो है मगर उसको रास्ता नहीं मिल रहा. अभी या मैं यूँ कहूँ कि 2 शब्दों में इस कहानी को मैं ख़त्म करता हूँ. कर्म कर, फल की चिंता मत करो, जैसा कि गीता में लिखा है, आप सब लोग जानते हैं. पूनम पांडे जी और शक्ति कपूर के साथ काम करने का कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है पूनम पांडे जी के साथ और शक्ति कपूर जी के साथ. देखिए, शक्ति कपूर जी की ये 701 की फिल्म है। पूनम के साथ जो मेरे को एक्सपीरियंस मिला, देखो ऐसा नहीं है, वो मेरे सीनियर है, वो गाइडेंस भी है, शूटिंग में काफ़ी डिस्कस भी करते हैं और उनकी जो तजुर्बा है वो उन्होंने हमें दिया भी है और लगाया भी है। बहुत ही अच्छे तरीके से ये फिल्म बनी है और उन्होंने पांडे जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैम आपका आगे कहना चाहिए फिल्म बहुत बधाइयाँ दे। हाँ, बहुत बधाइयाँ दे रही, बहुत अच्छी चले और सभी लोगों को पसंद आए। सर आप क्या बधाई देना चाहिए? Basically, worship. They have done a lot of work on this movie, and you know that what Lord Krishna says to Arjun, "Karmanne vadi karaste, mahafaleshu karachana, mahakarma phaleturbur, maate sangoshu karmani." Arjun, तेरा कर्म करने मात्र में अधिकार होए, फल में कभी नहीं, और तू कर्मों के फल की वासना वाला भी मत हो, और तेरी कर्म न करने में भी प्रीति ना होए। They have done a lot of labor in this movie. Let's hope for the best. Movie की कहानी बहुत अच्छी है और good direction है और सबको बहुत अच्छी पसंद आएगी और मैं शुभकामना मंगल कामना देता हूं कि ये मूवी सुपरहिट हो। ఈ వీడియో గనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి।